सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं चांद ग्रहण लगने में। खबरों में उन्होंने 11 बजे का बताया था कि चांद ग्रहण लगना है। जल्दी से जाकर बीवी को मना करता हूँ कि छुरी और कैंची का इस्तेमाल ना करे। अच्छा तो आप ऊपर हैं, मैं आपको नीचे ढूंढ रहा हूँ। किधर भागे भागे जा रहे हैं? क्या हाल है दानिश भाई? ठीक है, आपस रुके, मैं 2 मिनट में आया। और रुको तो सही, खैरियत तो है, इतनी इमरजेंसी में किधर जा रहे हो? दानिश भाई वरना चांद ग्रहण लगने वाला है, मैं बस बीवी को मना करके आया छुरी कैंची इस्तेमाल ना करे। ओ इधर आओ, बात सुनो मेरी, इधर ऊपर हो तो मैं बताता हूँ मैं चांद ग्रहण। दानिश भाई हुआ क्या है? मुझे घर वालों को बताने तो दे कि चांद ग्रहण लगने वाला है। अच्छा चांद ग्रहण लगा तो फिर क्या हो गया, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? और दानिश भाई जब चांद ग्रहण लगा होता है तो हामला औरतें छुरी कैंची इस्तेमाल नहीं करती, वरना उनके बच्चों के अज़ा कट जाते हैं। मुझे तो हैरत इस बात की, आपको नहीं पता इस बात का? हर किसी को पता है, बस आपको ही नहीं पता। अल्लाह अकबर कबीरा, घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये होता है दीन से दूरी का नुकसान। काश आपने दीन पढ़ा होता ना तो आज इन बदशगुनियों से दूर रहते आप। कहना क्या चाहते हो दानिश भाई, साफ साफ कहो। बताता हूँ आपको मुआज भाई, इस्लाम के अंदर कोई भी दिन, कोई भी महीना या कोई भी शख्स ये मनहूस नहीं होता। ये जो चांद को ग्रहण लगना, सूरज को ग्रहण लगना, सफ़र के महीने को मनहूस समझना, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना, इन सब चीज़ों का इस्लाम में कंसेप्ट नहीं है। ये सब खुराफात है जो कि ज़माना जाहिलियत से चलती आ रही है। माजरत दानिश भाई, मैं आपकी इस बात से इतफाक नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है। हमारी फैमिली में एक औरत हमल से थी और उसने छुरी इस्तेमाल की थी, उस वक्त भी चांद ग्रहण था, और देखो उसके बच्चे का कान कटा हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा ये बात है, ऐसे तो हमारे खानदान में भी एक औरत है जो कि हमल से थी, चांद ग्रहण के वक्त उसने छुरी इस्तेमाल कर ली थी, उसके बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ, उसका बच्चा पूरे खानदान में सबसे खूबसूरत है, हर ऐप से पाक है। और ये जो आप कह रहे हैं कि चांद ग्रहण के वक्त छुरी इस्तेमाल नहीं करते ये नुकसान हो जाता है, इसका कुरान और हदीस से कोई हवाला है आपके पास? नहीं दानिश भाई हवाला तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को। और छोड़े मुआज भाई, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 51 में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, और तुम फरमाओ कि हमको ना पहुँचेगा मगर जो अल्लाह हमारे लिए लिख दे, वो हमारा मौला है और मुसलमानों को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। पता चला कि हम पर जो भी मुसीबत या परेशानी आती है वो अल्लाह ही की तरफ से आती है, ये चांद वगैरह से कुछ नहीं होता। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान निशान का खुलासा है कि जिसने बदशगुनी ली और जिसके लिए बदशगुनी ली गई वो हम में से नहीं। और इतना ही नहीं, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों से अर्ज़ की गई कि या अमीरुल मोमिनीन, चांद ग्रहण लगा हुआ है लिहाजा जिहाद के लिए नहीं निकलते। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, अब तो मैं ज़रूर निकलूँगा ताकि इस बदशगुनी की तकजीब की जाए। अच्छा इसका मतलब हम अभी तक बदशगुनी का शिकार थे। दानिश भाई मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मेरी सलाह कर दी, और मैं वादा करता हूँ मैं खुद को और अपनी फैमिली को इस तरह की खुराफात से दूर रखूँगा। याद रखिए दोस्तों, इंसान पर जो भी परेशानी या मुसीबत आती है वो अल्लाह पाक ही की तरफ से आती है, और वो किसी भी टाइम आ सकती है। इस्लाम का दामन हर तरह की बदशगुनियों से पाक है, और बदशगुनी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदे का अल्लाह पाक की ज़ात पर से तवक्कल उठ जाता है, और यूँ वो तरह तरह की बदशगुनियों में मुलव्वस हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे पेज दानी भाई को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।